गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग मॉडल साइंस का चैप्टर थर्ड पढ़ेंगे। चैप्टर थर्ड हमारा क्या है? एम एट द बेस्ट, मींस जो भी चीजें अच्छी हैं उन्हीं पे हमें क्या करना चाहिए, उन्हीं के लिए हमें एम करना चाहिए, ठीक है। तो इसका थीम टॉक है We should always aim at the best. जो भी चीजें अच्छी होती है हमें हमेशा उसी पे ही aim करना चाहिए. If we think low, अगर हम छोटा सोचेंगे we will get low position. तो हमें कैसी position मिलेगी? हमें low position ही मिलेगी. If we think best, अगर हम सबसे अच्छा सोचेंगे we will get the best. तभी हमें क्या मिलेगा? तभी हमें सबसे अच्छी चीजें मिलेंगी. बोलते हैं ना, अगर आप जैसा सोचोगे आपको वैसा ही मिलेगा, अगर आप बुरा सोचोगे तो आपको बुरा मिलेगा, अगर आप अच्छा सोचोगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा, ठीक. सो वी शुड डू नॉट ग्रीडी फॉर एनीथिंग. तो हमें कभी भी किसी भी चीज के लिए ग्रीडी नहीं होना चाहिए. ग्रीडी का मतलब होता है लालची. हमें कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? किसी भी चीज के लिए लालची नहीं होना चाहिए. वी शुड बी हॉनेस्ट. हाँ, वी शुड बी हॉनेस्ट टू आवर वर्क. और हम जो भी काम करते हैं हमें हमेशा उसके लिए क्या होना चाहिए? हॉनेस्ट होना चाहिए. जो भी हम काम कर रहे हैं उसको पूरी ईमानदारी के साथ में करना चाहिए. देन गॉड विल प्रोवाइड अस आवर बेस्ट. तभी गॉड हमें क्या करेंगे? तभी भगवान हमको जो हमारे लिए अच्छा है. हाँ मैम, क्लास सेकंड निकल रही है. मम्मी बोलो. सामान मैम, ये क्लास सेकंड चल रही है. नहीं बेटा, ये क्लास सिक्स है. मैम क्लास सेकंड लिखा है ऊपर. नहीं बेटा, ये क्लास सिक्स ही चल रही है. अरे कोई बात नहीं, वो हट मैं भूल गई थी ऊपर डालना. क्लास सिक्स चल रही है ये, ठीक है. चलो. Then God will provide us our best. तो तभी क्या होता है? तभी भगवान जी हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? अच्छे से अच्छा हमें प्रोवाइड करते हैं. मींस जैसा हम सोचेंगे भगवान जी हमें क्या देंगे? वैसा ही देंगे. अगर हम अच्छा सोचेंगे तभी हमको अच्छा मिलेगा, अगर हम बुरा सोचेंगे तो हमको बुरा मिलेगा. अगर हम क्या होंगे? अगर हम किसी भी चीज के लिए हमें लालची नहीं होना चाहिए. अगर आपको बार बार अच्छी चीजें मिल रही हैं तो आपको कभी भी लालच नहीं करना चाहिए कि आपको और भी ज्यादा चाहिए, ठीक है. चलिए अब हम पढ़ेंगे इसकी स्टोरी, ठीक है. एम एट द बेस्ट की हम स्टोरी रीड करेंगे. क्या स्टोरी हमारी? Once there was a farmer. एक टाइम की बात है, एक फार्मर था. He had a son. उसका एक बेटा था. His name was Raman. और उस फार्मर के बेटे का नाम क्या था? Raman था. He was an obedient boy. हाँ समझ? आपको कुछ पूछना है? No, मैं कुछ नहीं पूछना है. तो कह रही थी मैम रमन नाम था उसका. हाँ, he was an obedient boy. वो कैसा लड़का था? वो obedient लड़का था, मतलब वो सब की बातों को अच्छे से मानता था. He was good at studies and other activities. और वो क्या था? वो पढ़ाई में और जो बाकी की दूसरी एक्टिविटीज थी उसमें बहुत ही अच्छा था. One day when Raman came back from the school, he was very upset. एक दिन जब रमन स्कूल से वापस अपने घर आया तो क्या था? वो बहुत ही ज्यादा दुखी था. He threw his bag on the bed and quietly sat in his room. क्या किया उसने? अपना जो बैग था वो बेड पे रख दिया और क्या किया? अपने कमरे में चुपचाप बैठ गया.
His grandpa was reading a newspaper. उसके grandpa वहाँ पे क्या कर रहे थे? Newspaper पढ़ रहे थे. पढ़ रहे थे. There must be something wrong with him, he thought. ग्रैंडपा ने सोचा कि इसके साथ में कुछ ना कुछ गलत हुआ है. इसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा गलत हुआ है तभी ये ऐसा हो गया. Because he didn't even wish me after coming back from the school. क्यों? क्योंकि जब ये स्कूल से वापस आया तो इसने मुझे क्या नहीं किया, इसने मुझे विश नहीं किया. However, he wanted for a while to let Raman come out of his room. क्या हुआ? फिर वो क्या करने लगे? वो फिर इंतजार करने लगे कुछ समय के लिए ताकि क्या हो, जो रमन है वो वापस अपने रूम से बाहर निकल के आए. But he didn't. पर रमन बाहर नहीं आया. When he came out of his room, जब वो अपने रूम से बाहर आया, he was told to have his lunch, but he refused to have the lunch and wanted to be alone for some time. तो क्या हुआ? उसके घर उसके जो फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने बोला कि रमन अब तुम क्या कर लो, अब तुम लंच कर लो. पर रमन ने क्या किया? रमन ने मना कर दिया कि वो क्या नहीं करेगा, वो लंच नहीं करेगा. उसको कुछ देर के लिए कैसे रहना है? उसको कुछ देर के लिए अकेला रहना है. Now, grandpa was worried. अब क्या हुआ? अब जो grandpa थे वो worried हो गए, मतलब परेशान हो गए. In the evening, शाम के टाइम पे grandpa took a cup of tea for Raman, but he refused to take tea also. तो शाम के टाइम grandpa क्या किए? रमन के लिए एक कप चाय लेके गए. क्या हुआ? रमन ने चाय के लिए भी मना कर दिया. रमन looked sad and gloomy. रमन कैसा दिख रहा था? Sad दिख रहा था. और बहुत ज्यादा कैसा था? बहुत ज्यादा ही वो दुखी था. Grandpa asked him to tell the reason why he was upset. तो grandpa रमन से पूछ रहे हैं कि चलो तुम मुझे रीजन बताओ कि तुम इतने दुखी क्यों हो. Grandpa, I want to be alone. You will not understand, replied Raman in a low tone. तो रमन क्या करता है? रमन धीरे से बोलता है, धीरी आवाज में बोलता है कि grandpa, मैं क्या रहना चाहता हूँ, मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ, आप मेरी बात को नहीं समझोगे. But you can tell me what is disturbing you, my son, asked grandpa. तो grandpa बोलते हैं तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसा ऐसी क्या चीज है जो तुमको परेशान कर रही है. रमन लुक अवे फॉर अ वाइल एंड देन सेड. तो रमन ने क्या किया? रमन ने थोड़ी देर देखा और फिर बोला, आई एम वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई स्कूल. मैं क्या हूँ? मैं हमारे स्कूल के सभी बच्चों में से एक अच्छा बच्चा हूँ. यू आर ऑल्सो अवेयर हाउ गुड आई एम एट स्टडीज एज वेल एज अदर एक्टिविटीज. आपको भी पता है कि मैं स्टडीज में और बाकी की जो दूसरी एक्टिविटीज है उसमें भी कितना अच्छा हूँ. देयर इज नो डाउट इन इट माई सन. तो ग्रैंडपा बोलते हैं, ग्रैंडपा रमन को शाबाशी देते हुए बोलते हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे बच्चे. देन रमन कंटिन्यू. तो रमन फिर से बोलता है, आई ऑलवेज थॉट दैट आई वाज द फर्स्ट चॉइस फॉर द सिलेक्शन ऑफ मॉनिटर ऑफ क्लास. उसको लगता था कि क्या है, वो हमेशा फर्स्ट चॉइस रहेगा क्लास सिक्स का मॉनिटर बनने के लिए. बट टुडे ऑल माय होप केम क्रैशिंग टू ग्राउंड एज समवन एल्स वाज चूजन फॉर दैट पोजीशन. पर क्या हुआ? पर वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया क्यों? क्लास सिक्स के क्लास मॉनिटर की जगह
क्लास मॉनिटर की जो पोजीशन थी उसमें रमन की जगह किसी और को चुना गया। आई वॉज टोटली शैटर्ड, मैं एकदम से परेशानी हो गया। रमन हैड टीयर्स इन हिज आईज, रमन की आंखों में क्या आ गए थे, आंसू आ गए थे। Grandpa listened to him and then quickly went to the kitchen. तो grandpa ने क्या किया, grandpa ने रमन की बातों को सुना और तुरंत कहाँ गए, वो तुरंत किचन में गए। He came back from the kitchen with an empty jar. तो वो क्या हुए, वो एक खाली जार को लेके किचन से बाहर आए। He took Raman to the garden. और वो रमन को कहाँ लेके गए, गार्डन में लेके गए। Grandpa picked up some big stones from the garden and filled up the jar. So grandpa ने क्या किया, grandpa ने garden में से कुछ stones को उठाया और उसको किसमें डाल दिया, उसको jar में डाल दिया। Look at this, Raman, it's the full jar. तो grandpa बोलते हैं कि रमन देखो अब ये जो जार है ये क्या ये फुल हो चुका है, मतलब पूरा भर चुका है। मन बोलता है हाँ। Now grandpa picked up some pebbles and put them into the jar. फिर क्या करते हैं grandpa, गार्डन में से कुछ पेबल्स छोटे छोटे पत्थरों को उठाते हैं और उसको कहाँ डाल देते हैं, उसको जार के अंदर डाल देते हैं। He shook the jar lightly. और वो क्या करते हैं, जार को धीरे से हिलाते हैं। The pebbles of course rolled into the space between the stones. और जो pebbles थे वो क्या कर रहे थे, stones में जितनी भी थोड़ी थोड़ी जगह थी, space खाली थी, वहां पे घूम रहे थे। He asked Raman again if the jar was full. फिर क्या किया, ग्रैंडपा रमन से फिर से पूछ रहे थे कि जो जार था क्या ये फिर से फुल हो गया। रमन एग्रीड इट वॉज, तो रमन क्या करता है, रमन एग्रीड करता है कि हाँ Then grandpa picked up some sand and poured it into the jar. फिर grandpa क्या करते हैं, grandpa कुछ sand को उठाते हैं और उसको कहाँ डाल देते हैं, उसको उस जार के अंदर डाल देते हैं। He then asked once more if the jar was full. वो फिर से उससे पूछते हैं कि जो जार है क्या ये फिर से पूरा भर चुका है। रमन एग्रीड, रमन फिर से हाँ करता है कि हाँ फिर से भर गया। रमन कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई ग्रैंडपा वाज डूइंग ऑल दिस, रमन को समझ में नहीं आ रहा था कि ग्रैंडपा ऐसा क्यों कर रहे हैं। Now grandpa poured a glass of water in the jar. फिर grandpa क्या करते हैं, फिर से उस जार में एक ग्लास पानी डालते हैं। The sand soaked the water. और जो sand उसमें डाली थी वो क्या कर लेता है, वो water को पूरा soak कर लेता है। Now grandpa asked Raman. अब grandpa क्या करते हैं, अब grandpa Raman से पूछते हैं, Have you understood anything? क्या तुमको कुछ समझ में आया? I have not understood anything, grandpa said Raman. तो रमन बोलता है कि grandpa मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। Grandpa started explaining to Raman. फिर grandpa क्या करते हैं, रमन को explain करते हैं, बताते हैं। I will explain this to you, my son. मेरे बेटे अब मैं तुमको ये बताता हूँ। This jar represents our life. ये जो जार था वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, हमारी लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा था। And it contains represents the things in our life. और उसके अंदर जो भी चीजें थी वो हमारी लाइफ को दिखा रहा था कि हमारी लाइफ में भी क्या क्या चीजें होती हैं। Look
at these stones. अब इन पत्थरों को देखो. They are the biggest and most important things in your life. ये क्या है? ये जो पत्थर है, ये हमारी लाइफ में सबसे बड़े और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थिंग है. They represent your family, your health, your friends and also dignity. ये जो big stones है, ये किसको दिखाते हैं? हमारी family को, health को, हमारे friends को और हमारी dignity को दिखाते हैं. The pebbles are other important things that matters in life. Stones के बाद जो pebbles थे, वो क्या थे? वो हमारी life के दूसरे important things थे. They represent position, your job, your house, your car, etc. ये किसको दिखाते हैं? जो pebbles थे, वो दिखाते थे जो हमारे जो हमारी position है, जो हमारी नौकरी है, हमारा घर है, हमारी कार है, मीन्स हमारे लाइफ में जो जो भी सामाने हैं वो उसको दिखाते हैं. जो भी हमारी पोजीशन है या फिर हमारे पास जो भी सामान है, पेबल्स उनको दिखाते हैं. विच हेल्प अस टू प्रॉस्पर इन लाइफ बट स्टिल दे आर सेकेंडरी इन नेचर. क्या है ये? हमारी लाइफ में जरूरी तो है पर फिर भी इनका जो नेचर है वो कैसा है? सेकेंडरी नेचर है. Sand and water represent the small things which are also necessary in our life, such as sanitary furniture, etc. जो sand और soil है, ये क्या दिखाता है? ये हमारी life की छोटी छोटी चीजों को दिखाता है. Means जैसे कि furniture हो गया, जो भी हमारी जरूरत की सामान है उनको दिखाता है. ये भी क्या है? ये भी हमारी life में जरूरी है. Now imagine a situation. अब तुम एक situation को सोचो. Had I filled up the jar first with sand? अगर मैंने jar को सबसे पहले sand से भरा होता, would have been able to fill stones or pebbles on it. क्या इसमें अगर मैंने jar को सबसे पहले पूरा उससे भर दिया होता, सैंड से भर दिया होता, तो क्या तुम इसमें स्टोन्स और पेबल्स को भर पाते? ग्रैंडपा बोलते हैं, नो एट ऑल ग्रैंडपा, सेड रमन. तो रमन बोलता है कि नहीं ग्रैंडपा, नहीं भर सकता था. द सेम अप्लाइज टू आवर लाइफ सन. वैल्यूज द स्टोन इन योर लाइफ द मोस्ट, देन पेबल्स एंड देन सैंड. तो ग्रैंडपा भी उसको बताते हैं, तो हमेशा हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा किसको वैल्यू दिया करो? स्टोन्स को सबसे पहले, स्टोन्स को वैल्यू दिया करो, फिर पेबल्स को और फिर सैंड और सॉइल को वैल्यू दिया करो. ये क्या होता है? ये हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है. और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन होता है हमारी लाइफ में? स्टोन्स इम्पोर्टेंट होते हैं. If you spend all your time and energy on a small stuff, अगर तुम ऐसी छोटी छोटी चीजों पे अपना time और energy को waste करोगे, you will never have room for the things that are important to your happiness. तो क्या होगा? तुम्हारे पास happiness के लिए कोई भी वजह नहीं बचेगी. Concentrate your mind on study only. सिर्फ अपने माइंड को किस पे कॉन्सेंट्रेट करो? सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ही ध्यान दो. आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू विल बी द बेस्ट नॉट ओनली इन योर स्कूल बट ऑल्सो इन मेनी फील्ड. फिर क्या होगा? एक टाइम के बाद तुम अपनी पढ़ाई में ही नहीं बल्कि जो बाकी की दूसरी एक्टिविटीज है उसमें भी क्या होगे? बहुत अच्छे बन जाओगे. रमन स्माइल्ड एंड लर्न द लेसन ऑफ द लाइफ बाय हर. और फिर क्या हुआ? रमन स्माइल किया और उसने क्या सीखा? उसने एक लाइफ का लेसन सीखा. उसने लाइफ का क्या लेसन सीखा? हमेशा छोटे छोटे चीजों पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. किस पे ध्यान देना चाहिए और सबसे ज्यादा किसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए? अपनी फैमिली को, अपनी वेल्थ को और अपनी हेल्थ को. जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, जो भी हमारे आसपास के जो लोग हैं, उनसे क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, उन सबको हमें इम्पोर्टेंस
देनी चाहिए। जब हम इन लोगों को इम्पोर्टेंस देंगे तभी क्या होगा, तभी हमें भी इम्पोर्टेंस मिलेगी। ठीक, तो ये था उसकी लाइफ का एक लेसन कि हमें कभी भी छोटी छोटी चीजों पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो बताओ बच्चों, अब तुम लोग को स्टोरी समझ में आई? हर्ष, निहारिका, प्राची, समर, सबको स्टोरी समझ में आई? यस मैम। क्या था स्टोरी? यस मैम। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या थी बताओ? मॉरल ऑफ द स्टोरी बताइए, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या थी? हर्ष बताइए, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या थी? मैम एक बच्चा था। मॉरल ऑफ द स्टोरी बताइए, मॉरल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी से आपने क्या सीखा? मैम सीखा कि छोटी छोटी बातों पे समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हाँ, हमें कभी भी छोटी छोटी चीजों पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। सबसे ज्यादा किस पे करना चाहिए, किस पे ध्यान देना चाहिए? जो भी चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें हैं, उन्हीं पे ही हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, समर किसके लिए रो रहा था? उसको वो स्टडीज में अच्छा था, दूसरी एक्टिविटीज में अच्छा था, उसको क्लास मॉनिटर के लिए नहीं चुना गया। तो वो इसलिए क्या था, वो इसीलिए रो रहा था, परेशान था कि उसको क्यों नहीं चुना, है ना? यस मैम। हाँ मैम, आपने फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर नहीं कराया मॉडर्न साइंस का। बेटा सब करवाया होगा मैंने। मैम यूट्यूब में देखे नहीं करवाई है। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था ना मैम, पेज नंबर। हाँ, ये मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था करने के लिए, आप लोगों को खुद करना है। हाँ, वो मैंने देख लिया, देख लिया। मैम ट्रू फॉल्स भी, ट्रू एंड फॉल्स मैंने करवा दिए थे। नो मैम। अच्छा, नहीं करवाए थे। हाँ, तो ट्रू एंड फॉल्स और ये आपके होमवर्क थे। यस मैम। ठीक है, तो ये आप लोगों को खुद करना है। ठीक है। यस मैम। मैम कॉपी में कर लेंगे। हाँ, कॉपी में कर लीजिएगा। यस मैम। और बाकी का तो फिर मैंने आपको करवाया ही। यस मैम। यस मैम, टू का भी हुआ है। हाँ, मैम टू का हार्ड वर्क खुद ही कर लेंगे। हाँ, उसका भी करवाया होगा ना हार्ड वर्क। यस मैम, हार्ड वर्क कराई है, टिक द करेक्ट क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स एक्सरसाइज। हाँ, इसको तो सब करवाया है, सेकंड चैप्टर का सब करवाया है। बच्चों, जो भी आपकी क्लास होती है उसको एक बार ऑनलाइन भी देख लिया करे यूट्यूब पर जाके। ठीक है मैम, आज देखे थे ना होमवर्क कर रहे थे। अच्छा, हाँ, तो मतलब कि उस पे जाके एक बार और देख लिया करिए। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो वहां पे देख लोगे तो आपका काम भी पूरा हो जाएगा और क्या होगा, आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है। ठीक। अच्छा बच्चों, ये बताओ, तुम लोग की इंग्लिश की एक्टिविटी तो हो ही गई है ना? यस मैम। अब तुम लोगों की साइंस की एक्टिविटी आनी है। ठीक है, तो साइंस की एक्टिविटी में तुम लोगों को क्या करना है, एक चार्ट बनाना है। चार्ट में तुम लोगों ने फ्लावर की एडिबल पार्ट्स पढ़े है ना मैम? किस में? साइंस में, प्लांट्स के। हाँ बेटा, साइंस में, साइंस का, साइंस में हम लोगों ने एडिबल पार्ट्स के बारे में पढ़ा था ना मैम? फूड वाला पढ़े थे। हाँ, फूड में ही प्लांट्स का एडिबल पार्ट एक पोर्शन था, हमने वो पढ़ा था ना? यस मैम। यस मैम, तो उसी पे है ना, याद आ गया? यस मैम, जिस पे फ्लावर था, फ्रूट स्टेम ये सब दिया था।
हाँ, तो वो क्या करना है, वही आपको पिक्चर को ड्रॉ करना है और उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है? ठीक है, उसमें फ्लावर, स्टेम, रूट, जितने भी प्लांट के पार्ट है वो सब आपको अच्छे से ड्रॉ करना है, लेबल करना है, और एकदम अच्छे से बनाइएगा, एकदम कलरफुल, ठीक है? और आपको उसको एक्सप्लेन भी करना है साथ साथ, ठीक है? समझ गए निहारिका, प्राची, समर, समझ गए आप सब भी? आप यस लोगों मैम ने, हाँ, आप लोगों ने पुरानी क्लासेस नहीं करी है ना, तो यूट्यूब पे जो है पुरानी क्लासेस सारी पड़ी हुई है साइंस की भी, ठीक है? मैम, मेरे पास बुक नहीं है। बेटा बुक ले लीजिए, अब आपको बुक की जरूरत पड़ेगी ना। यस मैम। मैम हाँ, होमवर्क कौन और से करेंगे? बुक से बेटा, बुक ठीक है? यस मैम। आप लोगों को आप लोगों की यूट्यूब पे सारी क्लासेस पड़ी हुई है, वहां पे जाके अपनी सारी क्लासेस को अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक, यस मैम। और आप लोगों को साइंस एक्टिविटी समझ में आ गई ना? यस यस मैम। मैम। हाँ, यस मैम। इसको भी, हाँ ठीक, इसको भी कर लीजिएगा, ठीक है? चलो, तो हमने स्टोरी में ये पढ़ा कि जो एक लड़का था, एक फार्मर था, उसका एक बेटा था, उसका नाम था रमन। रमन क्या था, वो रमन स्टडीज में और जो बाकी भी दूसरी एक्टिविटीज थी उसमें बहुत अच्छा था। तो रमन क्या हुआ, एक दिन रमन स्कूल से बड़ा ही दुखी होके वापस अपने घर आया। तो क्या हुआ, दुखी होके जब घर आया तो उसने अपना जो बैग था वो बेड पे डाल दिया, और क्या किया, कमरे में जाके बैठ गया। उसके ग्रैंडपा ने जब देखा तो उनको लगा कि रमन के साथ आज कुछ ना कुछ हुआ है, इसलिए ये दुखी है। और उनको, ग्रैंडपा को कैसे पता चला, क्योंकि डेली जब रमन स्कूल से घर आता था वो क्या करता था, ग्रैंडपा को ग्रीट करता था, मतलब कि उनसे क्या करता था, हेलो हाय, या फिर उनसे उनके पैर छूता था। पर आज उसने कुछ भी नहीं किया, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, ग्रैंडपा समझ गए। फिर ग्रैंडपा क्या करने लगे, ग्रैंडपा रमन का बाहर आने का इंतजार करने लगे, पर रमन बाहर नहीं आया। फिर ग्रैंडपा क्या हुए, जब रमन थोड़ी देर बाद बाहर आया तो सबने बोला रमन से कि लंच कर लो, पर रमन ने क्या किया, रमन ने मना कर दिया कि उसको नहीं करना। फिर शाम हो गई, शाम के टाइम पे ग्रैंडपा रमन के लिए क्या लेके गए, एक कप चाय लेके गए, पर रमन ने क्या किया, रमन ने चाय पीने से भी मना कर दिया। फिर क्या हुआ, तब ग्रैंडपा ने रमन से पूछा कि बेटा ऐसा क्या हो गया जो तुमको अपसेट कर रहा है, मुझे बताओ। ग्रैंडपा ने रमन से पूछा, तो रमन ने बोला कि ग्रैंडपा आप नहीं समझोगे, मुझे बस थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। तो ग्रैंडपा ने बोला कि जब तक तुम तो अपनी परेशानी को बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा। तब रमन बताते हैं उनको कि स्कूल में वो पढ़ाई में भी अच्छा है और बाकी की दूसरी एक्टिविटीज में भी अच्छा है, पर जब क्लास 6 का मॉनिटर सेलेक्ट करा गया था तो उसको वो पोजीशन ना देके वो पोजीशन किसको दे दी, दूसरे बच्चे को दे दी। वो इस बात के लिए बहुत दुखी था, क्यों, क्योंकि वो क्या बनना चाहता था, क्लास 6 का मॉनिटर बनना चाहता था, पर क्या हुआ, उसको ना देके दूसरे बच्चे को दे दी पोजीशन, जिससे वो क्या हुआ, वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। फिर क्या हुआ, फिर ग्रैंडपा ने जब उसकी बात सुनी तो ग्रैंडपा कहाँ गए, ग्रैंडपा किचन में गए, वहां से एक एम्प्टी जार लेके आए, ठीक। तो उस जार में ग्रैंडपा ने क्या डाला, उस जार में ग्रैंडपा ने स्टोन डाला, फिर पेबल्स डाला, और फिर सैंड और सॉइल डाला, और फिर क्या डाला, एक गिलास पानी डाला। फिर
ग्रैंडपा ने रमन से पूछा कि उसको कुछ समझ में आया इस जो उन्होंने बनाया, तो रमन ने बोला नहीं। तब ग्रैंडपा ने रमन को समझाया कि जो स्टोन थे वो किसको दिखा रहे थे, किसको शो कर रहे थे, वो फैमिली को शो कर रहे थे। पेबल्स किसको शो कर रहे थे, जो उनके लाइफ में जो छोटी छोटी चीजें थी उनको शो कर रहे थे, जैसे कि उनकी पोजीशन, जॉब, हाउस, कार, जिससे उनका पोजीशन दिखाई थी। और जो सॉइल और सैंड था वो क्या शो कर रहा था, वो शो कर रहा था जो दूसरी नेसेसरी चीजें थी, जैसे कि सैनिटरीज, फर्नीचर्स, जो बाकी की दूसरी की दूसरी जरूरत वाली चीजें थी उसको शो कर रहा था। तो ग्रैंडपा रमन से बोलते हैं, अगर क्या मैं इसमें पूरा जार में सैंड और सॉइल फिल कर देता, क्या वो उसमें स्टोन्स और पेबल्स को डाल पाते, कर पाते, नहीं कर पाते। तो ग्रैंडपा ने तभी उसको समझाया कि सबसे लाइफ में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है हमारे लिए वो क्या होती है, हमारी फैमिली होती है। और वो फैमिली क्या शो कर रही थी, स्टोन शो कर रही थी, ठीक है। फिर जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है पोजीशन। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, पोजीशन, कि आपकी क्या पोजीशन है। वो किसको शो कर रहा था पोजीशन, वो पेबल शो कर रहा था। और जो सैंड और सॉइल था वो बाकी की दूसरी जरूरत वाली चीजें थी। तब रमन को समझ में आता है कि हमें हमेशा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस किसको देनी चाहिए, हमारी फैमिली को देनी चाहिए। और जो बाकी की चीजें हैं वो क्या होंगी, वो एक टाइम के बाद आके हमें अच्छे से, जब सही टाइम आएगा, सही टाइम आने पे वो सारी पोजीशंस क्या होंगी, हमको अपने आप मिल जाएंगी, ठीक है। तो बताइए आपको समझ में आया स्टोरी, कि हमें कभी भी छोटी छोटी चीजों के लिए दुखी नहीं होना चाहिए। बताइए बच्चों, अब आप सबको स्टोरी समझ में आई? यस मैम। यस मैम। ठीक, अब क्या करिएगा, इस स्टोरी को आप लोग रीड करिएगा और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो क्या करिएगा, अपनी कॉपी में, अपनी बुक में आप फिल करिएगा, ठीक है। मैम बुक नहीं है। बेटा फिर बुक ले लीजिए ना, बुक ले लीजिए आप, ठीक है मैम। चलिए। हाँ मैम, पेंसिल से वर्क करना है कि पेन से? कॉपी में आपको पेन से करना है और बुक में आपको पेंसिल से करना है, ठीक है। ठीक बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय। थैंक यू मैम। वेलकम बेटा, बाय बाय।